फ्रेंड्स, आज स्किल पॉइंट्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम नया टॉपिक लेके आए हैं जो हमारे कॉम्पिटिशन होते हैं। कॉम्पिटिशन में जो हमारा यू टेट हो गया, सी टेट हो गया, है ना, और अदर स्टेट के जो हमारे कॉम्पिटिशन होते हैं, उसके लिए हम नए टॉपिक लेके आए हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा संविधान की अनुसूची। ठीक है, तो संविधान के बारे में पढ़ेंगे कि संविधान क्या होता है, कैसे होता है, इसमें क्या क्या हमारे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो हमें इसके बारे में पता होना चाहिए। तो हमारा जो हमारा टॉपिक है वो हमारा संविधान की अनुसूचियाँ, और संविधान की अनुसूचियाँ होती हैं। ठीक है, तो संविधान में अनुसूचियाँ हैं, अनुच्छेद हैं, और क्या कहते हैं, हमारे संविधान की स्थापना कब हुई थी, किसने की थी, कैसी की थी, इसके बारे में हम सब कुछ पढ़ते हैं। लेकिन हमारा मेन टॉपिक है वो है संविधान की अनुसूचियाँ। तो संविधान की अनुसूचियाँ मूल पाठ में जो अनुसूची है वो कितनी थी, 8 थी। लेकिन अब जो वर्तमान समय में है वो हमारी कितनी है, 12। कितनी है, 12। ठीक है, तो 12 अनुसूचियाँ हैं। अगर क्वेश्चन पूछता है कि कितनी अनुसूचियाँ हैं तो हम 12 बताएंगे। लेकिन अगर मूल पाठ में संविधान की पूछेंगे तो वो है हमारी 8। ये दोनों ही क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और दोनों के बारे में हमें पता होना चाहिए। इसके बाद है जो हमारी अनुसूचियाँ हैं इनका हम वर्णन कर रखा है। जो हमारी प्रथम अनुसूची है तो 12 अनुसूची में हमारा वर्णन है, हमारा प्रथम अनुसूची, द्वितीय अनुसूची, देखते हैं। तो हम इसके बारे में लाइन से एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है, तो प्रथम अनुसूची क्या कहती है कि प्रथम अनुसूची में जो भारतीय संघ है तो भारतीय संघ के जो घटक हैं उनके राज्य का वर्णन किया गया है। ठीक है, अगर हम किसी राज्य के बारे में पढ़ना चाहेंगे तो वो हमारा जो होगा प्रथम अनुसूची में होगा। ठीक है, द्वितीय अनुसूची क्या कहती है, द्वितीय अनुसूची जो है हमारे जो अधिकारी होते हैं, जो पदाधिकारी होते हैं, राष्ट्रपति हो गए, उपराष्ट्रपति हो गए, प्रधानमंत्री हो गए, और हमारे जो क्या कहते हैं विधायक होते हैं, तो इनकी जो पेंशन है, ठीक है, वेतन है, इनके पेंशन है, उनकी भत्ते की जो बात की गई है वो द्वितीय अनुसूची में की गई है। फिर आता है हमारा तीसरा, कि तीसरा अनुसूची में क्या कहती है, जो हमारे अधिकारी होते हैं, जो हमारे राष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति हैं, ठीक है, और जैसे कि हमारे जो विधायक होते हैं, वित्त मंत्री होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं, तो जो भी पद ग्रहण करते हैं, ठीक है, तो जब पद ग्रहण करते हैं, पद ग्रहण के समय जो शपथ ली जाती है, ठीक है, आपने देखा होगा न्यूज़ में, टेलीविज़न में देखा होगा कि जब वो शपथ लेते हैं और पद ग्रहण करते हैं तो उसका वर्णन इस अनुसूची में किया गया है। क्वेश्चन पूछता है कि संविधान में पद ग्रहण के समय जो पद ग्रहण करते हैं उस समय जो मतलब कि शपथ लेते हैं तो उस समय वो किसमें रखा गया है, कौन से अनुसूची में रखा गया है, तो हम बताएंगे तृतीय अनुसूची में। ठीक है, इसके बाद हमारी आती है चौथी, इसको हम चतुर्थ कहते हैं। चौथी अनुसूची क्या कहती है कि संघ और राज्य क्षेत्रों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व, तो राज्य संघ और राज्य क्षेत्रों का जो राज्यसभा में जो प्रतिनिधित्व हुआ था वो किससे हुआ था, चतुर्थ अनुसूची में। ठीक है, तो ये भी है लेकिन हमें सभी को पढ़ना है, सभी को याद करना है, जिससे कि हमें कन्फ्यूज ना हो कि कौन सी अनुसूची में क्या है। जब हम इसको सबको सुनोगे एक साथ तो हम इनको आगे जाकर अपने क्वेश्चन को क्लियर कर सकते हैं। फिर हमारी है पांचवी अनुसूची की विभिन्न, जो विभिन्न अनुसूची है, ठीक है, जो विभिन्न अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति होती हैं उनका प्रशासन और उनका नियंत्रण हम कैसे करते हैं। तो विभिन्न प्रकार की जो अनुसूचित जाति हैं, अनुसूचित जनजाति हैं, जिन्हें हम STSC के नाम से भी जानते हैं, तो उनका प्रशासन और नियंत्रण इस तरह से किया जाता है। फिर आगे हमारी सूची आती है छठी अनुसूची की जनजातियाँ, जो जनजाति हैं, आप सबने पढ़ा होगा बहुत सारी जनजातियों के बारे में, तो जनजाति के जो प्रशासन के बारे में है उसका प्रावधान किसने पाया गया है, अनुसूची छठी में किया गया है। ठीक है, छठे नंबर की जो सूची है वो जनजाति के प्रशासन के बारे में हमें बताती है। तो इसके जो चार राज्य हैं, चार राज्यों में ये है, अगर पूछा जाए तो असम, त्रिपुरा, मिजोरम व मेघालय का वर्णन कौन सी अनुसूची में किया गया है। ठीक है, तो कौन सी अनुसूची में किया गया है, छठी अनुसूची में। इसमें क्या गया है, छठी अनुसूची में जनजाति के प्रशासन के बारे में प्रावधान किया गया है। इसमें चार राज्य आते हैं, असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय। फिर हमारी सूची आती है सातवीं, हमारी सातवीं नंबर की अनुसूची है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो हमें पता होने चाहिए। तो इसमें तीन विषय हैं, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। ठीक है, उनकी विषय है संघ सूची में 99 विषय रखे गए हैं, इसके बाद राज्य सूची में 66 रखे गए हैं और संवर्ती सूची में 66 रखे गए हैं। तो जो शिक्षा है, जो शिक्षा का जो वर्णन किया गया है हमारा किसमें किया गया है, हम एजुकेशन के बारे में पढ़ रहे हैं, एजुकेशन का जो वर्णन किया गया है हमारा किया गया है संवर्ती सूची में
किया गया है। इसके बाद आठवीं अनुसूची में है भाषाओं का उल्लेख। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछता है कॉम्पिटिशन में, अगर क्वेश्चन पूछता है कि भाषाओं का उल्लेख किसमें किया गया, तो आप इसमें बताएंगे आठवीं अनुसूची में। ठीक है, ये जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको हमें पता होना चाहिए, क्योंकि भाषा तो हर व्यक्ति के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 22 भाषाओं का वर्णन किया गया है आठवीं अनुसूची। राज्य की संपत्ति का अधिग्रहण, ठीक है, जो राज्य की संपत्ति होती है उसका अधिग्रहण किसमें किया गया है, नवी अनुसूची में किया गया है। इसके बाद हमारी आती है दसवीं अनुसूची, दल बदल से संबंधित प्रावधान। ठीक है, दल बदल से संबंधित जो प्रावधान है वो किसमें किए गए हैं, दसवीं अनुसूची में। ग्यारहवीं अनुसूची जो है हमारी क्या कहती है, पंचायती राज व्यवस्था। पंचायती राज व्यवस्था का जो वर्णन किया गया है वो हमारा ग्यारहवीं अनुसूची में किया गया है। इसके बाद है बारहवीं अनुसूची। बारहवीं अनुसूची क्या कहता है कि शहरी क्षेत्र की जो स्थानीय स्वशासन संस्थाएं होती हैं उनका उल्लेख किसमें किया गया है, बारहवीं अनुसूची में, और उसको एक संवैधानिक दर्जा भी दिया गया है। तो इस तरह से जो हमारी अनुसूचियाँ हैं इनका वर्णन किया गया है कि अनुसूचियाँ जो होती है वर्तमान समय में 12 हैं, और जो पहले थी इसका जो मूल पाठ में थी वो 8 अनुसूचियाँ थी। तो अगर हम इस तरह से इसको याद करते हैं तो हम उसको आराम से क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।